हाँ तो हम लोगों ने कल कल जो भाई हम डिफेक्ट ऑफ टिम्बर के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज का जो लेक्चर है हमारा, आज का जो लेक्चर हमारा वो है प्रेजर प्रेजर्वेशन ऑफ प्रेजर्वेशन ऑफ टिम्बर। ठीक है, प्रेजर्वेशन ऑफ टिम्बर। प्रेजर्वेशन ऑफ टिम्बर प्रेजर्वेशन ऑफ टिम्बर ठीक है, प्रेजर्वेशन ऑफ टिम्बर या बोल सकते हैं इसको प्रकाशन परीक्षण या फिर प्रकाशन का परीक्षण। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले पहला होता है वो होता है एस्पू। इसका जो पहला होता है एस्पू, एस्पू क्या काम होता है इसका? जैसे कि आपने बहुत सारा देखा होगा है ना, इसको देखा होगा अपना, ये आपको चुनने के लिए बाजार में मिलता है। ठीक है, यह हमेशा कहाँ पर मिलता है? चूर्ण रूप में बाजार में मिलता है। ठीक है, पहली बात सर इसको अनुसंधान, इसको अनुसंधान अनुसंधान संस्थान अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा तैयार है। अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा तैयार किया गया है। सर पहली बात तो ये जो स्कूल है वो अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा तैयार किया गया है। दूसरी कंडीशन ये बोलते कि सर ये बाजार में कैसा मिलता है? चूर्ण रूप में मिलता है, चूर्ण रूप में मिलता है। दूसरी कंडीशन से इसका यह होता है कि इसका एक भाग, अगर चूर्ण का आप लोग एक भाग लोगे, एक भाग पानी के, तो इसको ऐसा लिख दिया अपन, चूर्ण का एक भाग पानी के 16 भाग में मिलाया जाता है। ठीक है, जब मिलाया जाता है उसको ऊपर से क्या करते हैं, इसमें पेंट किया जाता है, इसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, ये इसको होता है, ठीक है, जो इसको होता है वो अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा तैयार किया गया चूर्ण है जो कि बाजार में मिलता है। ठीक है ना,
का इस चूर्ण को चूर्ण का एक भाग लेंगे अपन लोग, ठीक है, चूर्ण का एक भाग लेंगे तो इसको पानी के सोले भाग के साथ में मिलाया जाता है, उसको पेंट कर दिया जाता है, इसके ऊपर लकड़ी के ऊपर प्रिजर्वेशन ऑफ टेम्पर या प्रकाश का परीक्षण है ना, उसके ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं, ठीक है। अगला होता है गोलतर, ठीक है, दूसरा नंबर जो होता है हमारा दूसरा होता है वो होता है गोलतर, गोलतर गोलतर यानी गोलतर, ठीक है, गोलतर। सर सबसे पहले तो ये कैसा होता है, अष्टपात्री कार्य का कार्य का दुर्गंध युक्त तो होता है, सर पहले काले रंग का दुर्गंध युक्त तो पदार्थ तो होता है, काले रंग का दुर्गंध युक्त तो पदार्थ तो होता है, ठीक है, काले रंग का दुर्गंध पदार्थ होता है, ठीक है, काले रंग का दुर्गंध युक्त पदार्थ पदार्थ होता है ना, प्रकाश के ऊपर उसको लगाने से, प्रकाश के ऊपर उसको लगाने से इसके ऊपर पॉलिश नहीं करनी पड़ती है, इसके ऊपर पॉलिश नहीं करनी पड़ती करनी पड़ती है, ठीक है, इसके ऊपर पॉलिश नहीं करनी पड़ती है। इसका उपयोग अगर देखा जाए हम लोग को, जैसे आपने दरवाजा वगैरह खिड़की वगैरह में लगाते हैं, इस मान लो दरवाजा हो गया, दरवाजा खिड़की आदि, वही जो आप लोग दरवाजे ऊपर या पेंट वगैरह करते होंगे ना, ठीक है, ये वही होती है। या कभी आप लोग का स्वागत है, अभी कॉलेज आओगे के बाद कॉलेज ऊपर जो दरवाजे के ऊपर या खिड़की के ऊपर जो पॉलिश है ना, तो ये वही एक होता है, ठीक है। अगला होता है हमारा तेल पेंट, ठीक है, इसको मैं प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ से, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला होता है तेल पेंट, तीसरा तेल पेंट ऑयल ऑयल पेंट, ये इसका उपयोग प्रकाश को इसका उपयोग प्रकाश या फिर टिम्बर को इसका उपयोग प्रकाश या टिम्बर को गलने से बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है ये कहना है कि इसको ऊपर कम से कम 2 से 3 लेप चढ़ानी होती है, चढ़ानी होती है, ठीक है। अगला जो होगा हमारा रासायनिक लवण,
तीसरा चौथा हमारा सर चौथा रासायनिक रासायनिक लवण या फिर केमिकल केमिकल साल। इसमें क्या करते हैं सर रासायनिक लवण, इसमें क्या करते हैं सर, इसमें सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसमें सोडियम क्लोराइड मिला था, सोडियम क्लोराइड मिला था, मिला था और जिंक सल्फेट, ठीक है, और जिंक सल्फेट सर जिंक क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड मिला था जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट सॉरी 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 जिंक सल्फेट में जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड को पानी में घोल लिया, तो पानी में घोल लिया जाता है, इसके ऊपर पॉलिश की जाती है, इसके ऊपर पॉलिश, इसके ऊपर पॉलिश भी की जाती है, ठीक है, इसके ऊपर पॉलिश भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चार हो गए हमने, सबसे पहला कौन सा था, इसको था, दूसरा कौन सा पोलता, तीसरा हो गया तेल पेंट रासायनिक लवण, ठीक है, ये सब प्रकाश का परीक्षण कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से टिम्बर का, इस टाइप टिम्बर का हम लोग टेस्ट करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं परीक्षण करते हैं, ठीक है। अगला जो होता है क्रियोसोट तेल, पांचवा क्रियोसोट तेल, क्रियोसोट ऑयल। अब क्रियोसोट ऑयल क्या होती है कि इसके ऊपर क्रियोसोट तेल, इससे तार द्वारा आसवन से प्राप्त किया जाता है। सर क्रियोसोट जो तेल होता है इससे क्या वृक्ष की आयु काफी बढ़ जाती, इससे वृक्ष की आयु काफी बढ़ जाती है, ठीक है, इससे वृक्ष की आयु काफी बढ़ जाती है। छठा जो हो गया सोनी सोलिग्नम पेड़, सोलिग्नम पेड़ क्या होता है सर, ये सोलिग्नम पेड़ क्या होता है कि सर इसके अंदर जो दीमक होता है ना दीमक से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, दीमक जो फुफ्फुस वाला जो होता है दीमक से बचाने के लिए
दीपक से बचाने के लिए इसका प्रयोग दीपक से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, दीपक से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गई प्रकाश का परीक्षण। पहला तो पढ़ा था हमने इसको कोलता तेल पेंट रासायनिक लवण प्योर तेल। ठीक है, इतने आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा तो इसको रफ करता हूँ। ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। अभी अपन लोग